कोरोना वायरस को लेकर यहाँ देश का नागरिक अपने आप को बचाव करने में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बदमाश ने अपने शातिर दिमाग से कोरोना को ही अपने अपराध की कड़ी बनाते हुए अपराध को अंजाम दिया। बदमाश एक निजी अस्पताल में फिनाइल लेकर पहुंचा और फिनाइल के बदले शगुन की राशि के नाम पर 12,000 रुपए लेकर फरार हो गया। बदमाश की यह पूरी घटना अस्पताल में लगे CCTV में कैद हुई है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाश की तलाश कर रही है। इंदौर के सुविधागंज थाना क्षेत्र के नवलखा चौराहे पर स्थित आर.के. अस्पताल में एक बदमाश पहुंचा था और अस्पताल के काउंटर पर पहुंचकर अस्पताल के कर्मचारी से कहा कि मुझे आपके मालिक के परिचित ने भेजा है, मैंने एक कंपनी खोली है और फिनाइल सैंपल के तौर पर कोरोना वायरस को लेकर फ्री में देने आया हूँ, बस शगुन को लेकर इसकी कीमत 12,000 है, तो आप एक मिनट में मेरे हाथ में दे दें फिर मैं लौटा दूंगा। बस पैसे जैसे ही हाथ में आए बदमाश लेके फरार हो गया। यह पूरी घटना CCTV में कैद हुई जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। फिनाइल का वो केमिकल लेके आया अस्पताल में और उसने हमारे साथ धोखाधड़ी करी और कोरोना वायरस जो फैल रहा है जिस हिसाब से, तो अब वो फ्री सैंपल ला करके और फ्री सैंपल के नाम से उसने आर.के. हॉस्पिटल में धोखाधड़ी करी है। और शाम को 7:15 बजे वो लड़का लेके आया था, लाल रंग का टी शर्ट है, जिसका मैंने CCTV कैमरे के फुटेज आप लोगों को दिए हैं। उसने बातों में ये उलझाया कि साहब कोरोना वायरस फैल रहा है और हमने अभी इसके लिए नया केमिकल वगैरह फिनाइल में के रूप में बनाया है और 20 लीटर में लेके आया हूँ, है ना, हमारे आर.के. जैन साहब ने भेजा है और आप इसको यूज़ करके देखिए, आपके हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छी चीज़ लेके आया। उसने कहा साहब 12,000 का भी बिल लाया हूँ, 12,000 रुपये मैं हाथ में लेकर के वापस दूंगा, हमने नया अपना केमिकल का प्लांट अभी शुरू किया है, कोरोना वायरस की वजह से ये नया केमिकल ईजाद किया है।